नमस्कार, मैं रीछ रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीन बड़े बदलाव किए हैं। आपको बता दें, तीन बड़े बदलाव केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के रूप में हुए। तीनों की जगह आकाश देव, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। ऐसे में रोहित शर्मा का दाव वॉशिंगटन सुंदर की तरफ चलता हुआ दिखाई दे गया, जब वॉशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट अपने नाम कर लिए। जी हाँ, 7 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा दाव खेलते हुए वॉशिंगटन सुंदर की 3 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करवाई थी, जिसके बाद वॉशिंगटन सुंदर इस भरोसे पर खड़े उतरे और मुकाबले की पहली ही पारी में 7 विकेट अपने नाम कर लिए। एक बार शुरू से जानते हैं पूरे मैच का हाल, पूरे दिन का हाल। तो आइए आपको बताते हैं कि पूरे दिन ऐसा क्या हुआ। तो बता दें कि पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद टॉम लेथम और डेविन कॉनवे दोनों ने ओपनिंग की थी, अच्छी खासी ओपनिंग की थी। लेकिन टॉम लेथम, डेविन कॉनवे और विल यंग जो तीसरे नंबर पर आए थे, वो तीनों ही तीनों रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि पूरे मैच में जो 10 विकेट ले गए हैं वो सिर्फ दो इंसान की तरफ से ले गए हैं, एक रविचंद्रन अश्विन और दूसरे थे वॉशिंगटन सुंदर। बाकी तमाम बॉलर यहां काम नहीं आए, ना जसप्रीत बुमराह, ना आकाशदीप, ना रविंद्र जडेजा, तीनों ने एक भी विकेट नाम नहीं किए हैं अपने। बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने 7 विकेट अपने नाम किए, तो उनमें रचिन रविंद्र, डार्लिन मिचेल, टॉम ब्लंडल, ग्लेन फ्लिप्स, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, अजाज पटेल, इन 7ों का विकेट लिया है वॉशिंगटन सुंदर ने, जो कि नए खिलाड़ी थे, काफी नए खिलाड़ी थे और उन्होंने 7 विकेट अपने नाम कर लिए। इसी के साथ 259 स्कोर पर न्यूजीलैंड निपट गई। न्यूजीलैंड ने 79.1 ओवर खेला था, जिसमें उन्होंने 259 रन स्कोर किए, अपने स्कोर बोर्ड पे लगाए। उसके बाद भारत आई अपने बल्लेबाजी के फॉर्म में, जिसके बाद रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की, लेकिन रोहित शर्मा ने 9 बॉल खेले पर एक भी रन नहीं बना पाए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 25 बॉल खेले और 6 रन बना लिए हैं। वहीं शुभमन गिल ने 32 बॉल पे 10 रन बनाए हैं। इसके बाद देखना रहेगा कि आगे के दिनों में क्या होता है, आगे क्या होता है। हम यहीं पे इस चीज को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 4 दिन का खेल बाकी है। इसलिए देखना रहेगा कि इस मैच को भारत अपने नाम कर पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।